नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रशांत स्टडी ऑनलाइन में। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग एक छोटी सी वीडियो में छोटा सा प्रश्न करने जाएंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पाइप और टंकी का ये क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो हमारे साथ इस वीडियो को देखिए। बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये आपके लिए, ठीक है। देखिए, पाइप ए बी और सी क्रमशः 30 घंटे, 20 घंटे और 10 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, ठीक है। कितने कितने में? 10 घंटे, 20 घंटे और 10 घंटे में, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है, यदि सभी तीन पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। पहले क्या किया गया कि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। उसके बाद कितने घंटे के लिए खोला गया? 4 घंटे के लिए खोला गया, ठीक है। और उसके बाद पाइप बी और सी बंद हो जाते हैं। अब देखिए क्या किया गया कि थोड़ी देर के बाद बी और सी को बंद कर दिया गया। जब बी और सी बंद हो गया तो केवल ए काम करता होगा ना। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं आसानी से। देखिए, पाइप ए और ए बी और सी क्रमशः 30 घंटे, 20 घंटे और 10 घंटे। देखिए, इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको आप चुटकियों में बना सकते हैं। देखिए, करना क्या है कि पाइप ए बी और सी लिखते हैं, ए बी एंड सी। ए कितने घंटे में? तो ए बी और सी क्रमशः लगा हुआ है, यानी ए 30 घंटे में, बी कितने घंटे में? बी करता होगा 20 घंटे में। सी कितने घंटे में? तो सी करता है 10 घंटे में। एक टंकी को ये फुल कर देता है पूरा, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, आपके पास शर्त क्या रखी गई है। यदि सभी तीन पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, यानी तीनों पाइप को खोल दिया गया, ठीक है, और 4 घंटे के लिए कार्य करते हैं, मतलब 4 घंटे के लिए तीनों पाइप में पानी जा रहा है बड़े टैंक को भरने के लिए। अब देखिए 4 घंटे के लिए, अब इसमें सबसे पहले इसका क्या करना है? एलसीएम लेना है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, 10, 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब देखिए 30 से 60 में भाग देते हैं तो इसकी क्षमता निकलेगी, ठीक है। ये जो 60 निकलेगा ना, ये 60 हो जाएगा आपका टोटल वर्क। कितना काम हो जाएगा? ये जितना भी एलसीएम निकलेगा। और आप कहेंगे कि हम इसका एलसीएम क्यों लिए, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए यही तरीका है, एलसीएम ही लिया जाता है, इसी विधि से बनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जितना दिया हुआ है, ए का वर्क 30, बी का 20 और 10 का, यानी कि सी का कितना? 10। इसके बाद तीनों का एलसीएम लिए तो कितना आ गया? 60 आ गया। अब यहाँ से इसमें भाग देंगे तो ये जो निकलेगा ना, ये हमारी कैपेसिटी निकलेगी, क्षमता निकलेगी, यानी ए की क्षमता 2 हो गई। इसी तरह बी की क्षमता निकालेंगे, 20 से 60 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ से सी की क्षमता निकालेंगे तो 10 छक्के 60 यानी कि 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब कहता है कि 4 घंटे के लिए तीनों को खोला गया है, 4 घंटे के लिए तीनों को खोला गया। अगर आपको कोई कहे कि आपकी क्षमता 2 है और आप 4 घंटा काम करते हैं, तो आप टोटल कितना काम करते हैं? तो आपकी क्षमता गुने 4 है ना, यानी 4 दुने के 8, यानी कि आप 8 काम करते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये 6 और ये जो 3 आपको दिख रहा है और ये जो 2 दिख रहा है, ये तीनों आपकी क्या है? क्षमता है। ये तीनों आपकी क्षमता है, और तीनों जो है साथ मिलके काम करता है, यानी तीनों पाइप अभी खुला हुआ है और 4 घंटे के लिए खुला हुआ है। 4 घंटे के लिए खुला हुआ है तो कितना काम करेगा इस 4 घंटे में, पहले आप देख लीजिए। 4 घंटे में तो 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11 हो गया टोटल क्षमता, और 4 घंटे के लिए इसको खोला गया है, यानी कि 44 कार्य जो है ये कर चुका, इस 4 घंटे में 44 काम कर चुका है। अब देखिए क्या कहा जाता है, और उसके बाद पाइप बी और सी बंद हो जाते हैं। अब कहता है कि 4 घंटे के लिए भाई खोल दिया गया तीनों को, और उसके बाद बी और सी को बंद कर दिया। तो स्वाभाविक है कि बी और सी को बंद कर दिया तो ए खुला होगा ना, ए जरूर खुला होगा। अब देखिए, बी और सी तो अब बंद हो गया, तो ज्ञात करें कि शेष टैंक जो है कितने घंटे में भर जाएगा। शेष टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, मतलब शेष टैंक को भरेगा कौन? तो बी और सी को तो बंद कर दिया गया, तो भरने वाला कौन बचा, यानी कि कौन बचा? ए बच गया, ए बच गया आपका भरने वाला, है ना। अब देखिए, सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि आपका काम कितना बचा। 44 काम तो भाई हो चुका है, 44 काम तो ये 4 घंटा में फिनिश कर चुका है। काम कितना बचा वो देखिए, तो 60 काम था ना आपके पास, इसमें 44 काम हो चुका, बचा कितना? तो बच गया आपका 16 कार्य। अब जो ये 16 कार्य है, बी और सी तो आपका बंद हो गया ना,
ये 16 कार्य कौन करेगा? अकेला ए करेगा। कौन करेगा? अकेला ए करेगा। अब देखिए, अब पूछता है कि कितने घंटे में जो है ए उस टैंक को भर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बचा हुआ काम है ना, बचा हुआ काम जो आपका 16 है, इसमें ए का निकालना है, बी और सी तो बंद हो चुका है, ए का निकालना है। तो ए की जो क्षमता है, क्षमता से कुल काम में भाग दे दीजिए। तो क्षमता है आपकी 16, और कुल काम कितना है ए का, ए की क्षमता कितनी है 2, और कुल कार्य बचा कितना है 16। तो इस क्षमता से आप इसमें भाग दे दीजिए 2 से, 16/2, यानी आपका कितना हो जाएगा 2/8 16, यानी कितना 8 घंटे। यानी कि अब जो ए को समय लगेगा वो 8 घंटे लग जाएगा, क्योंकि बी और सी बंद हो चुका है, बेचारा अकेला भरेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ए यानी 9 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 घंटे। तो इस तरह से हम लोग पाइप और टंकी का क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। बिल्कुल छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुतों बार हमने विद्यार्थियों को फंसते हुए देखा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।